Hey guys, so welcome or welcome back to my channel. And आज का जो video है वो basically होने वाला है एक compare video. इस video में मैं बहुत ही famous ये जो दो liquid lipstick है उसका compare करने वाली हूँ. ये है Maybelline का SuperStay Matte and ये है L'Oreal का Rouge Signature. So ये दोनों ही lipstick मैं काफी time से use कर रही हूँ. So दोनों के pros क्या है and cons क्या है, क्या अच्छी है क्या बुरी है, वो दोनों हम compare करेंगे इस video में. मैंने इस दो प्रोडक्ट को चूज किया क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है. दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको जो भी पसंद आए आप वो परचेज कर सकते हो. यहाँ पे मैंने ये दोनों शेड चूज किया है. सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आफ्टर यू सब्सक्राइब प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो. यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो फॉर मोर ब्यूटी अपडेट एंड उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट तो मैं एक कॉटन से अभी जो मैं लिपस्टिक लगाई हुई हूँ उसको रिमूव कर देती हूँ. सो ये अच्छे से रिमूव हो गया है. नाउ हम स्टार्ट करते हैं. ओके सो फर्स्ट हम बात करेंगे इस लिपस्टिक की. ये है Maybelline का SuperStay Matte एंड इसका शेड है 210 Versatile. सो इसका जो ब्रश है वो कुछ ऐसा आता है. इसको लगाने से पहले मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहती हूँ. अगर आप अपने लिप पे काफी ज्यादा लिप बाम लगाए हुए हो और उसके ऊपर आप ये लगाने वाले हो देन आपका जो लिपस्टिक है वो बहुत ज्यादा लाइक अजीब एक स्प्रेड करेगा और लाइक अजीब सा ही एक केकी टाइप का हो जाएगा. सो इसीलिए आप बहुत ज्यादा लिप बाम अगर ऑलरेडी लगा चुके हो उसको पहले रिमूव कर लो, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करो. सो अभी जैसे कि मेरे लिप पे कोई भी लिप बाम नहीं है सो नाउ आई कैन यूज इट. सो इसको मैं अपने अपर लिप पे लगाऊंगी और जो L'Oreal वाला होगा उसको मैं अपने नीचे वाले लिप में लगाऊंगी. सो एज यू कैन सी एप्लीकेशन काफी इजी है. ये वाला जो लिपस्टिक है ये बहुत ज्यादा फास्ट ड्राई हो जाता है. सो आपको बहुत क्विकली इसको अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद आप लिप को ऐसे नहीं कर सकते हो, फिर वो आपका लाइक खराब हो जाएगा पूरा लिपस्टिक. ये आपके लिप को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है. सो अगर आपके होंठ जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा फटे हुए हैं या बहुत ज्यादा ड्राई है देन आप थोड़ा सा अपना लिप केयर पहले करो, उसके बाद आप कुछ दिन बाद ये यूज करो. नाउ मैं आपको इसको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ इसका शेड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. इसका जो शेड है वो कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा कलर है ये. नाउ मैं अपने नीचे वाले लिप पे ये वाला अप्लाई करूंगी. इसका जो शेड है वो है 116 आई एक्सप्लोर. इसका जो ब्रश है वो थोड़ा लाइक ऐसे टाइप का दिखता है. अगर आपके लिप जो है ऑलरेडी फटे हुए हैं देन ये लिपस्टिक आपके लिए सही वाला लिपस्टिक है अभी यूज करने के लिए, क्योंकि ये उतना ज्यादा ड्राई नहीं हो जाता है. एंड बहुत अगर ज्यादा आप लिप बाम ऑलरेडी लगा चुके हो अपने लिप पे उसके बाद भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो ऑयल इन वाटर फॉर्मूला है. सो इस वजह से वो बिखर नहीं जाता है आपके लिप पे, बहुत ही अच्छे से वो बैठ जाता है और आपको बहुत लाइट वेट फील होता है, कम्फर्टेबल टाइप का फील होता है. इन दोनों में जो डिफरेंस है, अपर वाला जो लिप है वो मुझे थोड़ा सा हेवी फील कर रहा है, लाइक आई एम फीलिंग कि मैंने कुछ लगाया है, लेकिन नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा लाइट वेटेड है कंपैरेटिवली. फिलहाल मैं आपको इसको हाथ में लगा के इसका शेड दिखाती हूँ. सो यू कैन सी इसका जो शेड है वो भी काफी प्रिटी कलर है. नाउ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पूरा दिन कहीं बाहर रहना है और उसके लिए आप कोई लिपस्टिक ढूंढ रहे हो देन ये आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत देर तक लास्ट करता है. आप कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो ये आपके लिप से नहीं जाने वाला है. सो फॉर दैट दिस इज द बेस्ट लिपस्टिक फॉर यू. लेकिन अगर आपको एक लाइट वेटेड लिपस्टिक चाहिए जिसमें आपको डरना हो कि वो थोड़ा सा केकी दिख सकता है बाय चांस, या फिर अगर आपके होंठ जैसे मैंने बोला कि फटे हुए हैं और आपको टाइम नहीं मिला है लिप केयर करने के लिए, आप नहीं चाहते कि आपके होंठ बहुत ज्यादा गंदे दिखे देन डेफिनेटली आपको इसको चूज करना चाहिए. और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आप ये वाला लिपस्टिक खरीदोगे तो इसके जो डार्क शेड्स है ठीक है वो आप जब रिमूव करोगे उसके बाद भी इसका जो पिगमेंटेशन है वो रह जाता है ठीक है. सो वो थोड़ा ध्यान में रख के आप इसको शेड को चूज करना. लाइट शेड में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डार्क शेड में वो प्रॉब्लम थोड़ा सा है.
दोनों को ही जब आप रिमूव करोगे देन आपको नॉर्मल ऐसे लाइक कॉटन पैड से या टिश्यू वेट टिश्यू से नहीं चलेगा, आपको मेकअप रिमूवर जो होता है वाटरप्रूफ के लिए वो यूज करना है। नाउ इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ ये पूरे दिन आप पे नहीं रहेगा आपके लिप पे, आपको लाइक आफ्टर 4-5 आवर्स इसको रिपीटेडली लगाना है। अगर आप कहीं इवेंट पे जा रहे हो या पार्टी पे जा रहे हो बहुत टाइम आपको वहां पे रहना है देन आपको ये कैरी करना है। दोनों का ही एमआरपी है 650 रुपीज। दोनों में बहुत सारे शेड आपको मिल जाएंगे, नाइका में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस इज द शेड यू कैन सी। सो मेरे हिसाब से मैंने सारे डिटेल्स शेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप ये दोनों में से कोई ऑलरेडी यूज कर रहे हो या फिर आप खरीद रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिए, और आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिए। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।